एक रिपोर्ट के मुताबिक हर भारतीय एक दिन में करीब 7 घंटे सिर्फ स्मार्टफोन चलाने में बिता दे रहे हैं। इन स्मार्टफोन्स को तो हमारे काम को आसान बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज यही स्मार्टफोन हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। स्मार्टफोन्स में सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन गया है जिसके बिना जिंदगी खाली सी लगती है। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों तक पहुँचा पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के चक्कर में हम घंटों इन सोशल मीडिया ऐप्स पर क्यों बिता देते हैं? क्यों हमें ना चाहते हुए भी इन ऐप्स को बंद करने का मन नहीं करता? देखो, जो इन सोशल मीडिया ऐप्स को बनाने वाले होते हैं वो हमारी और आपकी तरह नहीं सोचते। वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, वो ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छी तरह से समझते हैं। वो जानते हैं कि इंसानी दिमाग को क्या अच्छा लगता है, वो क्या चाहता है और उसे कंट्रोल कैसे करना है। इसलिए आपने ये देखा होगा कि जब भी हम कोई सोशल मीडिया ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो सबसे पहले हमसे हमारा इंटरेस्ट पूछती है, और जब आप उसे अपना इंटरेस्ट बता देते हैं तो वो आपसे आपका जीमेल, मोबाइल नंबर, कैमरा एक्सेस, वॉइस और स्टोरेज का एक्सेस मांगती है, और तब जाकर कहीं ये स्टार्ट होती हैं, ताकि ये एप्स आपके फोन में घुसकर ये जान सके कि आपको कैसी चीजें पसंद हैं, आप किन लोगों से जुड़े हुए हैं और आपका इंटरेस्ट किस में ज्यादा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई रील या पोस्ट लाइक करते हैं तो आपको उसी से रिलेटेड ढेर सारी रील्स और पोस्ट दिखने लगती हैं, ताकि आप ना चाहते हुए भी इन एप्स को ना छोड़े और अपने इंटरेस्ट की चीजें देखकर आप इनकी एप्स पर घंटों बर्बाद कर दें, जिससे आपका कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन इन एप्स को बनाने वाले बिना कुछ किए पैसे छापते रहते हैं। हमारे इंसानी दिमाग की एक फितरत होती है तारीफ सुनना। भले ही आपकी शक्ल बतासे जैसी हो, लेकिन हमें उसकी भी तारीफ सुनना चाहिए होता है। अब रियल लाइफ में तो कोई इतनी तारीफ नहीं करता, तो तारीफ सुनने के लिए लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं और फिल्टर वाली फोटो या वीडियो को पोस्ट करते हैं, ताकि लोग उन्हें भी पसंद करें। और अगर थोड़े लाइक्स आ गए तो आप और तारीफ सुनने के लिए और भी ज्यादा मेकअप और फिल्टर के साथ फोटो पोस्ट करेंगे, और यही ये सोशल मीडिया वाले चाहते हैं, ताकि आप बार बार इन ऐप्स को खोलते रहें और उस पर एक्टिव रहें। इसलिए तो जब भी आपकी पोस्ट पर लाइक या कमेंट आते हैं तो ये ऐप्स आपको नोटिफिकेशन देते रहते हैं, ताकि आप इन ऐप्स को ओपन करो और अपना टाइम फिर से बर्बाद करना शुरू कर दो। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग जब कोई हमारी तारीफ करता है या हमारी पोस्ट पर ढेर सारे लाइक्स आते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमें हैप्पीनेस फील कराता है, और इसी चीज को इन ऐप्स को बनाने वाले प्रोग्रामर्स अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए इन्होंने ऐप्स में हेट या डिसलाइक का बटन नहीं दिया होता। और इंसानों की दूसरी जो सबसे बड़ी फितरत है वो है दूसरों से तुलना करना। आपने ये देखा होगा कि आपको सोशल मीडिया पर हमेशा अमीर और खुश लोग नजर आते होंगे, जो कि बिल्कुल झूठ होता है, फरेब होता है। वे लोग आपको अपनी लाइफ का केवल 1% ही हिस्सा दिखाते हैं, जिसमें वो केवल खुश रहते हैं, जिससे उसे देखने वाले लोग खुद से कंपेयर करने लगते हैं और खुद को उनसे छोटा और दुखी महसूस करने लगते हैं, जिससे वह डिप्रेशन, एंग्जाइटी और कई मेंटल हेल्थ इश्यूज के शिकार हो जाते हैं। आज के दिन हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमें हर 15 सेकंड में कोई नई चीज चाहिए होती है, इसीलिए तो हम बस रील्स को स्क्रॉल करते जाते हैं। देखो बॉस, अपने फोन में ऐसी चीजें देखो जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ अलग करने की प्रेरणा मिले। अपने फोन का उतना ही इस्तेमाल करो जिससे आपके फोन का कंट्रोल आपके हाथ में हो, ना कि आपका कंट्रोल आपके फोन के हाथ में आ जाए।